नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बता दें, इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो 6 जुलाई 2022 को प्रस्तावित है, और आप इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, लाइव आप सामने देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, एडमिट कार्ड आपको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड आपको मिलेगा sarkaririzalt.com पे, गूगल पे जब भी सरकारी लिखिए lastme.com जरूर चेक कीजिए। साथ ही साथ ही एडमिट कार्ड आपको मिलेगा rozgarrizalt.com पे। rozgarrizalt एक बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। आप जैसे ही जाएंगे तो यहां देख सकते हैं एडमिट कार्ड सेक्शन में यूपी बीएड एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा नीचे आ जाना है। एग्जाम इसकी 6 जुलाई 2022 को है, और आंसर की जब आएगी तो उसकी भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, बताएंगे कि आंसर की आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही डाउनलोड एडमिट कार्ड को जो लिंक दिख रहा है, आपको उसके सामने जो क्लिक हियर का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक आपको पड़ेगी रजिस्ट्रेशन नंबर, और एक आपको पड़ेगी पासवर्ड। बता दे, ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वही है जो आपने जो है फॉर्म भरते वक्त आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आया था। अगर इनकेस आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा तो आप बार बार अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा और आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप एक बार दो बार ट्राई कीजिए, अगर आपका पासवर्ड इनवैलिड दे रहा है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कीजिए, तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर नया पासवर्ड भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं, और लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा को जो है डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालनी है। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे तो उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग में बीएड लिखा हुआ है ये आपको लिखना है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बीएड यानी कि जो अल्फाबेट में बीएड लिखा उसको नहीं लिखते, सीधा यूजर आईडी डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं। अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे इनवैलिड देगा, इसलिए जो आपके मोबाइल पर मैसेज आया पूरा एज इट इज आपको डालना है, एज इट इज पासवर्ड डालना है। उस पर यहाँ पे लॉग इन का बटन है, उस पर क्लिक करना। तो चलिए लॉग इन करते हैं। दोस्तों जैसे आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड जनरेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो जैसे एडमिट कार्ड को आप जनरेट करेंगे यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें आपको कुछ एडमिट कार्ड में कुछ चीजें गौर करने वाली है, मैं जिसको मार्कर से आपको गौर करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्ट्रीम दिख जाएगा, यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, नाम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके फादर नेम दिख जाएगा। यहाँ पे आपका जो है आपका रोल नंबर है उसका बारकोड दिख जाएगा, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ गया है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी जो फोटो लगी है। एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो फोटो आपने फॉर्म में लगाई थी वही सेम फोटो आपको एडमिट कार्ड के ठीक बगल में यहाँ पे जो है पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपको अपना वही सेम सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको एग्जाम की तारीख देख सकते हैं, 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार, और यहाँ पे आप पाली भी देख सकते हैं, यानी कि जो क्या एग्जाम की जो शिफ्ट है वो भी है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो वेन्यू है यानी एग्जाम सेंटर कहाँ गया है, आपको एग्जाम देने आपको कहाँ जाना है, उसकी जानकारी भी यहाँ पे दे रहा है। अगर हम नीचे देखें तो जैसे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम की जो पाली है उसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिया है अभ्यर्थी को जो आवंटित जो एग्जाम सेंटर उसमें 1 घंटा पहले पहुंचना है, और प्रवेश प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे गाइडलाइंस अब दे दी है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 17 तरीके के एग्जाम इंस्ट्रक्शन दिए हुए जिसको कि आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ बता दें, अगर आपके पास कलर प्रिंट आउट हो तो इस एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। एडमिट कार्ड के साथ साथ जो इसमें एग्जाम के इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो आईडी प्रूफ लेके है, वो सारी चीजें आपको लेके जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसकी मदद से आप इस रिजल्ट को, इस एडमिट कार्ड को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।